हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर रेस्टोरेंट। लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे स्टार्ट करना है रेस्टोरेंट बिजनेस को, कैसे ग्रो करना है। इसमें पूरा कंप्लीट डिटेल में हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस मॉडल आप देख रहे हैं, जो हमारा फूड मेन्यू होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट में वो हो गया फूड मेन्यू, फूड आइटम्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर के लिए। रेस्टोरेंट की कैटेगरी हो गई कि किस कैटेगरी का रेस्टोरेंट हम बनाना चाह रहे हैं, कितना हमारा बजट है उसके अकॉर्डिंग। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, कैफे, फूड ट्रक, क्लाउड किचन, तो ये कैटेगरी हो गई। उसके बाद मार्केटिंग पार्ट हो गया कि मार्केटिंग करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे रेस्टोरेंट में आए, सेल्स इंक्रीज हो, बिजनेस हमारा ग्रो हो। और टीम, जो हमारा शेफ हो गए, जो सर्विस को मैनेज कर रहे हैं या पूरा कंप्लीट रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहे हैं, वो टीम हो गई। तो बेसिकली रेस्टोरेंट बिजनेस इस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें हम मार्केटिंग पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू ग्रो रेस्टोरेंट बिजनेस। तो सबसे पहले जो है वो वेबसाइट, रेस्टोरेंट की वेबसाइट। आप सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं स्टार्टिंग में। आप अपना जो भी बिजनेस का डोमेन नेम है, रेस्टोरेंट का जो डोमेन नेम है, नाम है, उसका डोमेन नेम परचेज करो और उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट आप बना सकते हैं, जिसमें कि जो आपका मेन्यू है। मेनली हमें वेबसाइट में क्या दिखाना होता है कि ये हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का जो भी आपका जैसे सिटिंग एरिया है, कुछ पिक्स रेस्टोरेंट की हो जाएगी, कुछ कस्टमर की इमेजेस हो जाएंगे वहां पे वेबसाइट पे, और जो आपका मेन्यू है मेन वो हो जाएगा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं, लंच में क्या दे रहे हैं, डिनर में क्या दे रहे हैं। तो वो वहां पे इमेजेस हो जाएंगी, और क्या नाम उनकी इमेजेस हो जाएगी फूड आइटम्स की, और पूरा मेन्यू हो जाएगा, और वहां पे आपका एड्रेस वगैरह प्रॉपर वेबसाइट पे शो हो जाएगा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वहां पे लेना चाहे तो वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर आपके पास, अगर वहां पे आपके रेस्टोरेंट में अच्छा एरिया है, तो आप वहां पे, अगर बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई बिजनेस इवेंट हो सकता है, या कोई शादी वगैरह का इवेंट हो सकता है, तो वो भी आप अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करवानी है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गूगल माई बिजनेस पेज। रेस्टोरेंट बिजनेस क्या होता है कि हमारा मेनली जो हमें होता है कि गूगल माई बिजनेस पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी ने सर्च किया रेस्टोरेंट नियर मी, तो वहां पे क्या होता है, हमारे जो गूगल क्या सजेस्ट करता है, जो वहां पे आसपास जो भी रेस्टोरेंट है उनको वहां पे डिस्प्ले कर देता है, शो हो जाते हैं हमारे सर्च इंजन में। तो हमारा अगर गूगल माई बिजनेस पेज होगा तो वहां से क्या होगा, तो वहां से लोग हमारे बिजनेस को देख सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ पे नियर बाई ये रेस्टोरेंट है, इनमें से ये आपका रेस्टोरेंट है। वहां पे आपकी रेटिंग होगी, वेबसाइट लिंक कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्शन होगी, रिव्यूज चेक कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह वहां पे शेयर कर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे आ जाती है। तो गूगल माई बिजनेस पेज आपको अपना बिजनेस के लिए क्रिएट करना है, और उस पर ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग, जो भी कस्टमर आपके वहां पे आते हैं, तो उनको बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे रेटिंग दो। और इसके लिए बहुत से नहीं देते, तो उनको बोल सकते हो कि अगर आप हमारे बिजनेस पे रेटिंग दोगे तो आपको हम एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट दे देंगे। स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो जिसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो डेफिनेटली आपको रेटिंग देगा। बेस्ट सर्विस का आपको ध्यान रखना है, बेस्ट फूड, क्योंकि अगर आपका खाना अच्छा होगा तो वो बार बार आएंगे और कस्टमर को भी लेके आएंगे। अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं आएंगे। तो आपका अगर खाना अच्छा है तो उनको रिव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर उसमें भी आप बोल देते हो कि 5% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो डेफिनेटली लोग आपको आपको रेटिंग देंगे। और इससे रेटिंग से क्या होगा कि जिस बिजनेस की ज्यादा रेटिंग होगी, अब वहां पे जो रेस्टोरेंट नियर मी सर्च कर रहा है, वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन होके आ जा रहे हैं। पर क्या नाम है, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी, रिव्यूज अच्छे होंगे, तो गूगल क्या करेगा कि सबसे टॉप पे आपको सजेस्ट करेगा। अब सबसे टॉप पे आप सजेस्ट करेगा तो वहां से क्या होगा कि आपको ज्यादा बिजनेस मिलेगा। जो आप 5% आप डिस्काउंट दे रहे हो, वही आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इस पे मिलने वाला है। तो ये गूगल माई बिजनेस पेज हो गया। थर्ड हो गया फोकस ऑन लोकल एसईओ। तो रेस्टोरेंट बिजनेस को समझो कि रेस्टोरेंट बिजनेस क्या होता है। मेनली जहां पे भी रेस्टोरेंट होता है, उसके 5 किलोमीटर रेडियस के जो बेसिकली हमारे कस्टमर होते हैं, जिनको डेली, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको लंच करना होता है, उनको डिनर करना होता है, या आसपास के लोगों का जैसे प्लान बन जाता है कि चलो यार आज बर्थडे है किसका, तो वहां पे जाके उस रेस्टोरेंट में जाके हम पार्टी करते हैं, चलो डिनर के लिए बाहर चलते हैं, चलो लंच के लिए बाहर चलते हैं, चलो इस तरीके से इवेंट होते रहते हैं। तो फोकस जो रेस्टोरेंट जहां पे है उसके 5 किलोमीटर रेडियस में मेनली हमारी टारगेट ऑडियंस रहती है।
कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जैसे कोई हिल्स एरिया में है कि भाई मनाली में गए हैं हम, दिल्ली से गए हैं मनाली में गए हैं, तो मनाली में जाके हमें कुछ रेस्टोरेंट वहां के हैं, तो उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है। वहां पे भी बेसिकली क्या होता है कि वहां पे जो लोग गए हैं मनाली में वो भी सर्च करेंगे कि मनाली में जाके रेस्टोरेंट नियर मी, तो वहां पे भी क्या होता है कि अगर उन्होंने अपना लोकल एसईओ अच्छा कर रखा है तो वहां पे उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो मैंने लास्ट में बताया था गूगल माई बिजनेस पेज हो गया या आपकी वेबसाइट हो गई, तो गूगल क्या करेगा तो आपकी वेबसाइट को सजेस्ट करेगा, आपके गूगल माई बिजनेस पेज जो होगा वो होगा बाकियों से टॉप पे वो शो करेगा। तो बेसिकली ये लोकल एसईओ से होता है। लोकल एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की हम अपने बिजनेस को लोकली हम उस एरिया में कैसे हम ग्रो करते हैं जहां पे हमारा बिजनेस है, कि सर्च इंजन में वो कैसे टॉप पे दिखे, टॉप सर्च रिजल्ट में दिखे। तो इसके लिए भी अगर लोकल एसईओ भी करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या होगा कि किसी ने भी फॉर एग्जांपल सर्च किया कि रेस्टोरेंट नियर मी या रेस्टोरेंट इन दिस एरिया पर्टिकुलर जहां पे रेस्टोरेंट है, तो वो क्या होगा कि कुछ इस तरीके के कीवर्ड होते हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है मेनली। तो उसमें क्या होता है कि हम लोकली उस एरिया में अपनी जो वेबसाइट है, जो हमारे जो गूगल माई बिजनेस पेज है उसको रैंक करवा रहे हैं, तो वो सारा आ जाता है लोकल एसईओ में, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे हमें अपना बिजनेस को रैंक करना है वेबसाइट वगैरह को। तो ये हो गया लोकल एसईओ, इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर करवाना है आपको। सोशल मीडिया तो आप जैसे जानते हैं, आपको अपने रेस्टोरेंट बिजनेस का फेसबुक पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पेज बनाना है, तो उसमें क्या होता है रेगुलरली आप जितने भी आपके रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फूड मेन्यू, जो जो भी फूड आइटम्स आप डील कर रहे हैं तो उनकी आपको अच्छे अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट करने हैं और वो वहां पे शेयर करने हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या बन रहा है। और कोई ऑफर्स भी आप वहां पे रन कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे दिवाली का टाइम आ गया, कोई फेस्टिवल का टाइम आ गया, या इस तरीके से आप ऑफर वगैरह भी रन कर सकते हैं उस टाइम पे, ताकि लोग उन ऑफर को देख के आपके रेस्टोरेंट में विजिट करें। तो इसके अदर देन आप क्या कर सकते हैं कि जो बिहाइंड द सीन है कि भाई कैसे खाना बन रहा है, कौन कौन सी डिश है वो कैसे बन रही है, या जो सर्व करते हुए गेस्ट को, जो आपके आए हैं कस्टमर उनको सर्व करते हुए कुछ वीडियोस वगैरह बन के वो शेयर कर दी, कुछ रील्स बना के यूट्यूब शॉर्ट्स बना के वो हम शेयर कर रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी हो रही है या कोई इवेंट हो रहा है उसकी थोड़ी सी वीडियो पिक्स बना के हमने शेयर शेयर कर दिया, कोई मतलब फैमिली आई है उनको एक अच्छे से भाई कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका फीडबैक वीडियो शेयर कर दी। तो बेसिकली आप रेस्टोरेंट के अराउंड जो भी चीजें हो रही है, कस्टमर आ रहे हैं, खाना बन रहा है, क्या क्या मेन्यू है, तो उसके अराउंड आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहना है। अगर कोई कॉन्टेंट क्रिएट करवा है, ग्राफिक डिजाइन क्रिएट करवाना है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी जबरदस्त है, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, कुछ यूट्यूबर होते हैं, फूड व्लॉगर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, किसी ढाबे पे जाते हैं, वहां पे उनके वीडियो बनाते हैं, अरे यहाँ पे देखो खाना कितना बढ़िया है, देखो कितने अच्छे से खाना बन रहा है ये वो, और उन वीडियोस इतनी वायरल हो जाती है बहुत सारे वीडियो, और उसके बाद इतनी जबरदस्त उनकी मार्केटिंग हो जाती है कि उनके आप बहुत सारी आपने भी देखी होगी डेफिनेटली कि उनके बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है फिर उनके रेस्टोरेंट के बाहर, या जो भी रेहड़ी है या ढाबा है या कोई फूड ट्रक स्टार्ट किया हुआ है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है, तो आप जितने भी इन्फ्लुएंसर है, फूड व्लॉगर है, आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं सर्च करके ऑनलाइन, जो भी फूड व्लॉगर से आप सर्च करोगे फूड व्लॉगर से फूड, तो उनको से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ के कम सब्सक्राइबर होंगे, कुछ के ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, तो आपको उनसे बात करनी है कि किस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपके रेस्टोरेंट पे विजिट करें और वहां पे आप उनको कुछ सर्व करना, जो आपकी अच्छी अच्छी डिशेज हैं वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो उनके वीडियो बनाएंगे, लोकेशन वगैरह प्रॉपर आपकी वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, कैसे क्या कुछ करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे मैं खुद पे भी अगर ये एग्जाम्पल लूँ कि मैं भी जैसे बहुत सारी इस तरीके की वीडियो देखता हूँ, नियर बाय मैंने देखा कि यहाँ पे आस पास में इस सेक्टर में वहां पे ना कुछ एक वीडियो देखी मैंने कि मतलब डिफरेंट 20 टाइप्स के समोसे उस रेस्टोरेंट में बन रहे थे, एक्चुअली एक रेहड़ी टाइप है ढाबा, 20 टाइप्स के वहां पे समोसे बन रहे थे, कोई पनीर समोसा हो गया, आलू समोसा हो गया, मंचूरियन, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज बना रखी थी, तो मुझे अलग लगा, तो हम वहां पे गए भी थे। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर से। इसके बाद आ गया एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग।
आपने देखा होगा जब भी आप मैकडी में जाते हो, डोमिनोज में जाते हो, तो आप अब वो आपसे क्या करते हैं, आपका मोबाइल नंबर, हाँ जी आपका नाम क्या है, ऑर्डर के बाद, हाँ जी आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो ये ले लिया, तो इसमें क्या होता है उसके बाद वो फिर ना कोई भी जैसे कोई फेस्टिवल आ गया या महीने में एक बार ना कुछ ऑफर भेजते रहते कि भाई 20% डिस्काउंट है हमारे पिज्जा पे बर्गर पे 20-30% डिस्काउंट है, एक के साथ एक फ्री लो, तो इस तरीके के मैसेज वो भेजते रहते। अब ये मान के चलो कि 1 लाख लोगों को फॉर एग्जाम्पल वो मैसेज गया, तो उसमें से अगर 10% भी अगर उस मैसेज को देख के वहां पे बुक करते हैं तो कितनी जबरदस्त हो जाती है ये भी SMS मार्केटिंग। इसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग की, जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उनको आप न्यूज़लेटर में अपने ज्वाइन करवा सकते हो कि भाई आप यहाँ पे साइन अप करो, तो इससे हम थोड़ा सा आपको जो भी हमारे ऑफर होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। इनसे रिलेटेड हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे हमने डिस्कस भी किया गूगल माई बिजनेस पेज की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। या सबसे पहले क्या होता है, कोई भी रेस्टोरेंट, जैसे हम भी अभी लास्ट अभी यहाँ पे गए थे, हम जैसे जो जो जोधपुर और हम उदयपुर रोड ट्रिप पे गए थे, तो हम रास्ते में जैसे ही जा रहे थे तो हमें ढाबा खाना खाना था, तो हमने देखा कि नियर बाय रेस्टोरेंट कौन कौन से हैं, तो वहां पे देखा कि कुछ के रिव्यूज अच्छे नहीं थे और कुछ के रिव्यूज अच्छे थे। जिनके रिव्यूज अच्छे थे हम वहां पे गए और हमें बहुत अच्छा खाना मिला वहां पे। तो इससे क्या होता है कि कोई भी होता है, आप खुद से लगाओ या किसी से भी रेस्टोरेंट पे जाना तो रिव्यूज चेक करते हैं। अब वहां पे है 2 स्टार की रेटिंग है, 3 स्टार की रेटिंग है, 4 स्टार से कम है, तो एक नेगेटिव जाता है कि यूजर के माइंड में कि इनकी अच्छा नहीं होगा रेस्टोरेंट। तो आप मेंटेन करके चलो कि आपकी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो, 4 स्टार से रेटिंग अच्छी हो, और रिव्यूज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिव्यूज आप अपने कस्टमर से रिव्यूज करवाओ, जिनको भी आप सर्विस प्रोवाइड किए, खाना आपने दिया है उनको, अगर नहीं कर रहे, बहुत सारे स्टार्टिंग में मुश्किल हो जाती है, तो उनको बोलो कि अगर आप रिव्यू करोगे हमारे, खाना खाओ बढ़िया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिव्यू करो, 5% का आप एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम प्रोवाइड करेंगे, बस आप अपना रिव्यूज का जो स्क्रीनशॉट है या हमें दिखा दो कि हाँ ये आपका रिव्यू है। तो इस तरीके से आप अपने रिव्यूज को इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि रिव्यूज को देख के ही एक अच्छा रिव्यूज 10 नए कस्टमर्स लेके आएगा आपके। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो, रिव्यूज पे फोकस करो। इसके बाद आ जाता है ऑफर। अगर आपका रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर भी चुका, तो अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ ऑफर्स रन करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं जो भी ये एग्जांपल दे रहा हूं ये जो मैं खुद से मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जब भी मैं कहीं कहीं रेस्टोरेंट में गया हूं या उस तरीके से, तो उन चीजों को करके कुछ क्लाइंट के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी ये स्टेटस रेस्टोरेंट मेरे क्लाइंट ने यहाँ पे ओपन किया है रोहिणी में, तो जब भी आप यहाँ पे आओ रोहिणी सेक्टर 17, तो यहाँ पे स्टेटस रेस्टोरेंट जेस्ट ऑफ फूड रोहिणी में आप विजिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो एग्जाम्पल जो भी मैं दे रहा हूँ, तो मैं खुद रेस्टोरेंट में गया हूँ, तो वहां से वो सारे एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ऑफर्स में क्या होता है, बेसिकली जैसे यहाँ पे भी पास में ही एक रेस्टोरेंट है, तो वो पिज्जा प्रोवाइड करते हैं, तो पिज्जा प्रोवाइड करते, तो उनका ऑफर ये रहता है कि आपको आपको हर वीरवार को, हर थर्सडे को आपको एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा हम फ्री देंगे। तो इससे क्या होगा कि थर्सडे को तो वहां पे इतनी जबरदस्त भीड़ होती है कि वहां पे बैठने की जगह नहीं होती, और इसके बाद क्या हो जाता है, फिर उनकी मार्केटिंग हो जाती है, लोग वहां पे आते हैं, इसके अदर देन फिर उनको अगर और किसी डे पे ऑर्डर करना है तो वो उस पे ऑर्डर करके घर मंगवा सकते हैं, या उनकी जबरदस्त वो मार्केटिंग हो जाती है, और बाकी 6 दिन आपके जो नॉर्मल प्राइस है वो रखो। तो एक ये ऑफर है, ये बहुत मुझे सही लगता है पर्सनली, कि एक दिन किसी भी हफ्ते के एक दिन आप देखो, ठीक है, कि भाई क्या नाम है, जैसे वीरवार हो गए, वीरवार क्यों सिलेक्ट किया है उन्होंने लाइक थर्सडे, कि उसमें वीकेंड भी नहीं है, वीकेंड को तो लोग घर से बाहर जाते ही हैं। अब उन्होंने आपका पिज्जा खा लिया, अब वो थर्सडे को खाया है, अब उनको होता है कि भाई मैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ अपने वीकेंड पे भी जाऊं, तो वो वीकेंड पे भी आते हैं, और उस टाइम वो फुल प्राइस रहता है। तो ये बेसिकली मार्केटिंग का बहुत जबरदस्त मुझे मेथड लगा उनका, कि एक के साथ एक फ्री वीक में किसी भी एक दिन पे आप दे सकते हो। तो इस तरीके का ऑफर आप कर सकते हो। और स्टार्टिंग में अभी पास में ही रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि 1 महीने के लिए, जो स्टार्टिंग का 1 महीना है कि भाई हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है, पूरे एरिया में उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है, आप कुछ भी लोगे, कुछ भी खाओगे, तो जितने की वो कॉस्ट है ना, उसका हाफ में हम आपको देने वाले हैं 1 महीने के लिए।
तो भाई सारे वहां पे जाने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी, लोगों को पता चल गया कि जो भाई 100 रुपए की चीज है वो 50 रुपए की मिल रही है, तो क्यों ना जाएंगे। 1 महीने के लिए बिल्कुल डिस्काउंट चला दिया, तो उसके बाद अब नॉर्मल प्राइस। और जैसे मैं देखता हूँ वहां पे, तो वहां पे हर टाइम रहती है, काफी भीड़ रहती है। तो इस तरीके के आप ऑफर देखो। और जो फेस्टिवल्स हैं, जो न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गया, होली, दशहरा, दिवाली आ गया, तो इस पे तो आपको ऑफर अपने अकॉर्डिंग 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑफर है, तो ऑफर को भी आप को इम्प्लीमेंट करना है अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में। ब्लॉग्स, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, लोकल भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, जहां पे भी आपका रेस्टोरेंट है ना, रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट इन रोहिणी, अगर रोहिणी में है आपका, दिल्ली में है, दिल्ली के किसी एरिया में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, मनाली में है, हिमाचल में है, गोवा में है, केरला, कहीं पे भी है, तो सबसे पहले आपको कंटेंट क्रिएट करना है इस तरीके से कि आपका लोकली वो बिजनेस ग्रो हो जाए। कोई भी सर्च कर रहा है कि रेस्टोरेंट इन रोहिणी या जिस भी एरिया में आपका रेस्टोरेंट है, तो उन कीवर्ड्स पे आपको आपको कंटेंट लिखना है, ब्लॉग लिखने है कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन रोहिणी। तो इस तरीके से करके आप जैसे ही अपनी वेबसाइट पे वो डालोगे, कंटेंट डालोगे, ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करोगे, तो वो रैंकिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी वहां पे। और इसके अदर देन जितने भी आपके फूड में डील करते हो, वो भाई उनकी रेसिपी शेयर कर सकते हो, ठीक है, रेसिपी का कैसे कैसे ये हम बना रहे हैं तो वो शेयर कर सकते हो, कुछ बिहाइंड द सीन कस्टमर एक्सपीरियंस अपने ब्लॉग्स में शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ब्लॉग अगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए गूगल पे, तो अगर आप ब्लॉग लिखोगे तो इससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलने वाला है, तो ये आप कर सकते हैं। YouTube मार्केटिंग अपना, जैसे मेरा YouTube चैनल है, यहाँ पे देखो मैं प्रॉपरली वीडियो शेयर कर सकता हूँ, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस, रेस्टोरेंट बिजनेस का, अभी मैंने मार्केटिंग ये स्टार्ट की है, रेस्टोरेंट बिजनेस मार्केटिंग, तो ये भी कुछ बिजनेसेस की हम मार्केटिंग करें रेस्टोरेंट की, और जो मेरे एक्सपीरियंस थे इससे रेस्टोरेंट बिजनेस से रिलेटेड, इसलिए मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग वीडियोज के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग जो रेस्टोरेंट बिजनेस पे वीडियोस है वो मिलती रहे। कोई आपको डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sparkotech.com, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, मुझे बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं कि मुझे ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्रो करना है, मुझे इस तरीके से हेल्प चाहिए। तो आप भी अपना जो भी आपका, जैसे रेस्टोरेंट में क्या रेसिपी बन रही है, कस्टमर आ रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो क्रिएट करनी है और अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करनी है, और जो भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं उनकी उनसे भी आपको फिर बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से ग्रो कर सकती है, और उनकी वीडियो शेयर करनी आपके चैनल पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। लिस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लिस्टिंग आपने जोमेटो, देखो सबके पास मोबाइल में जिसको भी फूड ऑर्डर करना है, जोमेटो है, स्विगी है, तो इन पे आपको लिस्ट करना है। लिस्टिंग कैसे करनी है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू लिस्ट रेस्टोरेंट ऑन जोमेटो एंड स्विगी, बहुत ईजी रहता है, तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो देखो हर मोबाइल में आपको जो जो भी फूड ऑर्डर करता है, जोमेटो, स्विगी आपको मिल जाएगी, और वहां से फिर क्या होगा कि आपको वहां से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने बिजनेस को, रेस्टोरेंट बिजनेस को जोमेटो एंड स्विगी पे भी लिस्ट करो। उसके बाद रन एड्स, अगर आपको स्टार्टिंग में ये लग रहा है कि बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है या कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने जो रन है एड रन कर सकते हैं, फेसबुक एड रन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम एड रन कर सकते हैं, गूगल एड रन कर सकते हैं, नियर बाय एरिया में जो 5 किलोमीटर रेडियस आप सिलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा प्रॉपर की कौन कौन से फूड मेन्यू के अकॉर्डिंग किस फूड आइटम पे आपको एड रन करनी है, उस पर कुछ ऑफर ऑफर रन कर सकते हो जब एड रन करो, ताकि एक बार जब कस्टमर आना शुरू हो जाए, आप अच्छी सर्विस दोगे, वो बार बार आएगा, बार बार आएगा, कस्टमर और फ्रेंड्स फैमिली को भी लेके आएगा। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में अपना बजट बनाओ कि मुझे डेली की इतने रुपए की एड रन करनी है। उसके लिए एड अगर आपको रन करनी है, कॉन्टैक्ट में डिस्क्रिप्शन डिटेल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपकी पूरी फेसबुक, इंस्टा, गूगल एड हम मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो ये थे मेथड्स, और प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू बूस्ट आपका रेस्टोरेंट बिजनेस। तो ये था इस वीडियो के बारे में, जिसमें हमने देखो कितनी जबरदस्त हमने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड सारी बातें की। ये पूरा बिजनेस मॉडल, वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस पेज, फोकस ऑन लोकल एसईओ, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसएमएस, ईमेल मार्केटिंग, रिव्यूज, ऑफर्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब मार्केटिंग, लिस्टिंग, रन एड्स, आपको तो ये सारी चीजें आपको करनी है। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव ए नाइस डे।